गाइस, दिस इज स्वाति और आज मैं बात करने वाली हूँ डिज्नी हॉटस्टार पर अवेलेबल सीरीज़ विल ट्रेंड के बारे में, जिसमें आपको 13 एपिसोड्स देखने को मिलने वाले हैं जिनका रन टाइम लगभग 40 से 45 मिनट्स के बीच का है। डिटेक्टिव्स को लेकर एटलीस्ट फॉर वन डेकेड बहुत ज़्यादा अच्छी मूवीज़ और सीरीज़ बनाई जा चुकी हैं। ऐसे में अगर विल ट्रेंड हमें इम्प्रेस कर पा रहा है, मैक्सिमम पीपल को अपनी तरफ खींच पा रहा है सक्सेसफुली, देन हमें ये मानकर चलना चाहिए कि जो उसकी प्लॉट लाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही होगी। दैट टू उसमें जो वर्ल्ड क्रिएट किया गया है उसमें लोग एक बार खिंचकर चले जा रहे हैं तो आसानी से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये सारा श्रेय जाता है कैरन स्लॉटर की नॉवेल्स, सीरीज ऑफ नॉवेल्स हैं जिनका ये अडैप्टेशन है। इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर बनाया गया है, डिटेक्टिव का जो पर्सनालिटी बनाई गई है वो इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव है कि लोग उसकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को और करीब से जानना चाहते हैं। तो पूरी सीरीज देखकर मेरा एक एक्सपीरियंस रहा, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब सो अबाउट द सीरीज अ विल ट्रेंड। सो अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो इसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया जा सकता है। जो पहला सेक्शन है वो मर्डर मिस्ट्री वाला है कि अलग अलग लोगों के मर्डर होते हैं और विल आकर अपनी जो इन्होंने पावर अक्वायर की है, क्योंकि इस बंदे को डिसलेक्सिया है तो उससे कोप अप करने के लिए इसने चीज़ों को डिफरेंटली ऑब्जर्व करना शुरू किया है। इसीलिए ये चीज़ों को देखता है और एक अलग ही कंक्लूजन पर आता है, एक पिक्चर बना लेता है। इसी से इसको जो केस हैं उनको डिफरेंट तरीके से देखने की पावर मिली है और बहुत ही जल्दी सॉल्व करता है। तो ये मर्डर मिस्ट्रीज में चलता है विल का। देन सेकेंड चीज़ हो जाएगी जो प्रोफेशनल लाइफ चल रही है। अब यहाँ पर उसने रिसेंटली एक केस सॉल्व किया है जिसमें उसने इन हाउस एक कॉप है उसको ट्रेटर की तरह पकड़वा दिया, जिसे लोग उसे पसंद नहीं करते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ चल रही हैं। यहाँ पर यहीं पर चीज़ हो जाएगी कि फेथ नाम की इसकी पार्टनर अभी रिसेंटली अपॉइंट हुई है, वो और इसमें कोई अच्छे से समझ नहीं है, वो उसे पसंद नहीं करती है, लेकिन बाय द टाइम धीरे धीरे उन दोनों में अच्छी बॉन्डिंग आपको दिखने वाली है। तो वो स्ट्रगल भी आपको देखने को मिलेगा प्रोफेशनल लेवल पर। अगर पर्सनल लेवल पर आते हैं तो एनजी नाम की यहाँ पर गर्लफ्रेंड है इसकी, जो अभी एक एडिक्शन से रिकवर कर रही है और इनका पास्ट कॉमन रहा है, इन्होंने शेयर किया है पास्ट। ये चिल्ड्रन होम में रहते थे, वहाँ से एक ट्रॉमा अटैच्ड है, उन दोनों ने साथ में उस चीज़ को झेला है और वो आपको यहाँ पर बैक फ्लैशेस में बार बार आता दिखेगा और इनकी ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रहती है, दूसरे लोग भी आते रहते हैं बीच में। तो पर्सनल लेवल पे ये सारी चीज़ें चल रही है, एक ऑड फैमिली टाइप की ये बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं जो आगे आपको बहुत क्यूट लगने लगती है। एक छोटा सा प्यारा सा डॉगी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है इनकी फैमिली में। तो ये सारी चीज़ें सीरीज़ में चलने वाली हैं जो सब आपस में मिक्स होकर बहुत ही अच्छा फ्लो बनाती हैं और चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना रही हैं। तो कुछ पॉजिटिव्स बताती हूँ और कुछ नेगेटिव्स। सो जो पहला पॉजिटिव है सीरीज़ का वो है इसका ऑप्टिमिज्म। जो सेंट्रल कैरेक्टर दिखाया गया है उसका बहुत ही ट्रॉमेटिक पास्ट है, स्टिल वो साइकोलॉजिकल डैमेज को अपनी चीज़ों पर हावी नहीं होने दे रहा है। साइकोलॉजिकल डैमेज नहीं, फिजिकल डैमेज भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो डार्कनेस से कंज्यूम नहीं हो रहा है, राइट स्टेट ऑफ माइंड में है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। देन सेकेंड पॉजिटिव हो जाएगी रैमन रॉड्रिगेज, जिन्होंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से इस डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर के साथ जस्टिफिकेशन किया है। एंड द थर्ड पॉजिटिव थिंग इज जिसमें केसेस दिखाए गए हैं जिनकी मिस्ट्री अनरावल हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो पहला केस है वो आपका दिमाग घुमा देने वाला है और फिर शायद आप अपने आप को आगे के केसेस देखने से नहीं रोक सकते हैं। अगर हम ड्रॉबैक की बात करेंगे तो बस मुझे एक ही नज़र आया है कि इन्होंने कैरेक्टर डेवलपमेंट करने के लिए कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया है, जो कुछ लोगों को इरिटेट कर सकता है, बाकी मुझे इससे कोई भी शिकायत नहीं है। फर्स्ट टू एपिसोड्स में आप देखेंगे कि जितना केस नहीं चल रहा है जिसकी मिस्ट्री सॉल्व हो रही है इन पर फोकस ज़्यादा किया जा रहा है, बड़ी जंबल्ड इमोशंस दिखाए जा रहे हैं, तो शायद कुछ लोग इस चीज़ से डिस्टर्ब हो जाएं। अगर आपको हाउस, शर्लॉक होम्स, मॉन्क, मेंटलिस्ट पसंद है देन यू शुड नॉट मिस दिस सीरीज। दैट्स इट, बाय।